हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज की डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है, आज का ईश्वरीय संदेश आपके लिए क्या है। आइए जानते हैं। इस शफल डेक से निकालते हैं एक कार्ड। हमारे पास आया है लव बिगिंस, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल मैसेज। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी जिंदगी में हर तरीके से भावनाओं की अभिव्यक्ति चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको चारों दिशाओं से प्यार मिले, आपने जिससे प्यार किया है वहां पे आपको प्यार मिले, परिवार में आपको प्यार मिले, करियर में आपको प्यार मिले, ऑफिस में आपको प्यार मिले, क्योंकि जिंदगी का जो बेस है ना वो है हीलिंग। इस संसार की जो जड़ है वो है प्रेम, ठीक है। तो आपको अपने अंदर कुछ क्वालिटीज को डेवलप करना पड़ेगा। आपको द्वेष खत्म करना पड़ेगा, ईर्ष्या खत्म करनी पड़ेगी, हेट्रेड खत्म करना पड़ेगा, नाराजगी खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपके अपनी वाइब्रेशन पॉजिटिव नहीं होगी, अपनी वाइब्रेशन हाई नहीं होगी, तब तक आप प्यार की मीनिंग को समझ नहीं पाएंगे और उसे सामने से देख नहीं पाएंगे। इंसान पैसा कमाना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसे सम्मान मिलेगा, और सम्मान मिलेगा तो उसे प्यार मिलेगा जब उसकी पॉकेट में पैसे होंगे। हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, कुछ भी देखना सुनना, अपने ऐश्वर्य से अपने सुख सुविधाओं को भोगना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि उसे प्यार मिले, क्योंकि प्यार एक कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आपके अंदर प्यार है ना तो आपकी लाइफ में शोहरत है। पहली शोहरत तो ये कि आप खुद सेल्फ लव में आ गए। जब आप सेल्फ लव में आएंगे तो यू विल मेक मोर मनी, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप को प्यार से परिपूर्ण कीजिए। आप इस कार्ड की वाइब्रेशन को अगर फील कर पाए तो यहाँ पर सब कुछ ग्रीन है, जो टोटली इंडिकेशन है हार्ट चक्रा का। आपके हार्ट चक्रा में, आपके दिल में बहुत सारी ऐसी भावनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जिसमें गुस्सा है, नाराजगी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, बहुत सारी चीजें। मेमोरी की बात आ गई, कोई भी चीज जो मूड फ्लक्चुएशन से जुड़ा हुआ है, मूड स्विंग से जुड़ी हुई एनर्जीज है, वो क्या है? अभी तो ऐसा लग रहा था, अभी वैसा लग रहा है, अभी थोड़ी देर में गुस्सा आ गया, अभी थोड़ी देर में अच्छा लग रहा है, फिर नाराज हो गए, फिर अच्छे हो गए। तो आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करना पड़ेगा। कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक वुंड्स हो सकते हैं, चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं जो आपको अंदर से कचोटते हैं, ठीक है। तो अपने आप को प्यारा बना लीजिए। जिस तरीके से ईश्वर ने इस समस्त संसार पे, सृष्टि पे कृपा की हुई है, किसकी? अपने प्रेम की। प्रेम की वर्षा है इस पृथ्वी पर, इसीलिए हम सब हंस रहे हैं, इसीलिए हम सब एक दूसरे की मदद कर पाते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोच पाते हैं। अगर ईश्वर प्रेम न बरसाए तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ बदला बचेगा। उसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया तो मैं क्यों करूं? आप समझ रहे हैं कि दोनों ही चीजों में कितना डिफरेंस है। तो जब डिवाइन इस धरती पर प्यार दे रहे हैं तो वो प्यार आपके अंदर भी बहना चाहिए, क्योंकि आपका जो स्रोत है प्यार का, डिवाइन लव का सोर्स, वो डिवाइन से ही आ रहा है। अब ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी बहकर आता है ना माउंटेन रीजन से, और वो आता है तो सब यूज करते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जब आपको प्यार के मायने पता है, आपको ये पता है कि डिवाइन एनर्जीज क्या कहती हैं, भगवान देने पर बिलीव करते हैं, भगवान सिखाते हैं कि देना है, कर्म करो, तुम्हें देना है, करना है, बदले में एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वही कंडीशन लगते ही आप कैलकुलेटिव हो जाएंगे, और जो कैलकुलेशन पे चलेगा वो प्रेम को नहीं समझ पाएगा, वो आस्था को नहीं समझ पाएगा, वो हर एक चीज को प्रैक्टिकल बेसिस पर लॉजिक के साथ ही देखेगा और कभी अपने आप को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आप खुद ही सोचिए, एक बहुत प्यारा सा आपको एग्जाम्पल दूंगी। माँ को सबसे ज्यादा प्रेम का स्रोत माना जाता है, क्योंकि माँ जननी है, माँ प्रकृति है, और पुरुष तत्व क्या है? जो प्रोवाइडर है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर वो बड़ा हो जाता है, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, हो सकता है कि अपने माँ बाप से ज्यादा भी कमाने लग जाए, क्योंकि पीढ़ी है तो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी। तो आप दोनों में अगर कंपेयर करोगे, मदर और फादर में, दोनों का प्यार अपने बच्चे के लिए बराबर है, लेकिन आप बच्चे से पूछेंगे कि उसे किसकी तरफ जाना है, तो वो पहला ऑप्शन अपनी माँ को चूज करेगा, पिता को कभी नहीं, क्योंकि उसे माँ से जो प्रेम मिला है वो प्रेम उसे पिता से नहीं मिला। और माँ क्या है? प्यार का स्रोत है। रोएगा बच्चा, चोट लगती है, बड़े से बड़ा बच्चा हो,
आप बूढ़े भी हो जाएंगे ना, 60 साल के 70 साल के, लिख के दे सकती हूँ कि जो जगह आपके मन में आपके माँ के प्रति होगी वो जगह पिता के लिए कम ही होगी, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि माँ अपने बच्चे को 9 महीने ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि कोख में रखती है, पैदा करती है। तो बाकी सभी रिश्तों से ज्यादा प्यार सच्चा या पवित्र किसका है? माँ का है। तो चाहे आप करियर के किसी भी छोर पे चले जाएं, सब कुछ है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि जब प्यार की बात आती है तो इंसान वहां भागने की कोशिश करता है जहां पर आपको सुकून मिलता है, जहां पर आपकी आत्मा तृप्त होती है कि मैं यहाँ जाऊंगा, मुझे कोई समझेगा, रोऊंगा तो मुझे कोई जज नहीं करेगा, ऐसा है वैसा है, जस्ट कि हमारा जो दिल है ना उसे सिर्फ प्यार चाहिए। तो जब हमें प्यार चाहिए तो हमें देना भी पड़ेगा, और जितना हम देंगे उतना हम प्राप्त करेंगे। ये सृष्टि का नियम है, जो आप देंगे वो घूम फिर कर आपके ही पास आएगा। तो प्यार की जो वाइब्रेशन है उससे बड़ी कोई वाइब्रेशन नहीं है पूरी पृथ्वी पर, तो उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। उन बैरियर्स को हटाइए जो आपको प्यार करने से रोकते हैं, प्यार को सीखने से रोकते हैं, प्यार को जानने से समझने से रोकते हैं। क्योंकि प्यार मतलब साक्षात डिवाइन, साक्षात ईश्वर तत्व, ठीक है। सो गाइज, ये थी बहुत ही ब्यूटिफुल सी गाइडेंस आज की डिवाइन मैसेज में। होप इस गाइडेंस से आपने कुछ ना कुछ जाना होगा, सीखा होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।